विकास के किनारे तक पहुंचाने के लिए हमें साथ दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं गंगा जमुनी तहजीब को बहाल रखूंगा, मृदा परस्तों का पंजा मरोड़ूंगा और आपके बच्चों और आपकी नस्लों के हक के लिए आपके साथ जो नाइंसाफी हुई है उसके खिलाफ पार्लियामेंट में मजबूत आवाज बनूंगा। वक्त की कमी की वजह से मैं दुकानदार भाइयों से दुकानों में जाकर मुलाकात नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। फिर मौका मिला तो आपसे मिलूंगा और बहुत जल्द ही हमारा प्रोग्राम प्रयागराज में होगा, उसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, आप आइए, उसमें बड़े लीडर आ रहे हैं, उसमें आपके लिए सारी बातें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब और अस्सलाम वालेकुम। वोट की अपील करने, आपसे दुआ मांगने और आपसे सहयोग की अपेक्षा लिए हुए आया है। आपने वोट देकर अब तक सरकारों को बनाया है और सरकारों को गिराया है। अब के बाद वोट देकर अपने स्थानीय समस्याओं का समाधान किया, अपने बच्चों की तालीम, अपने बस्ती की तस्वीर, अपने नस्लों की तकदीर बदलने के लिए हमें साथ दीजिए। मेरे भाई, देश की आजादी के बाद देश में बड़ी तरक्की हुई है, लेकिन अपना सीमांचल पिछड़ा रह गया है। ये सीमांचल जिसे मैं गंगा जमुनी तहजीब का मरकज और कश्ती के समान समझता हूँ, हमारी कश्ती ये सीमांचल की कश्ती जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, अग्रणी और पिछड़े सब सवार है। पिछले 72 सालों से हमारी ये कश्ती गरीबी, महरूमी, लाचारी, बेबसी और पिछड़ेपन के काले समंदर में भटक रही है। अब तक हमें न विकास मिला, राजनों के सरकार गुमराही और अफवाही से लोग अफवाह से लोग चलो रे भाईरा चलो रे भाईरा सबको मिले पतंगू।